principals of various colleges, persons from the media, members of teaching and non-teaching staff, participants of this workshop, and dear students, I welcome you all on the behalf of JCT College of Engineering. And now I request Mrs. Rekha Bhambu to welcome our guest of honor, Dr. Shamim Sharma. Thank you very much. कमिश्नर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है और आम जनता के लिए डीसी माई बाप होता है। लोग इतना पीएम सीएम और प्रेसिडेंट को नहीं जानते जितना डीसी को जानते हैं। एक बार एक शहर में बड़े जोर शोर से सफाई का कार्य चल रहा था। किसी ने गुजरते हुए पूछा, क्या बात है, इतनी साफ सफाई क्यों करा रहे हो? तो उत्तर मिला कि सीएम साहब आ रहे हैं। उसने तपाक से उत्तर दिया, इतना चमकाने की क्या जरूरत है, सीएम के उन्हें डीसी लग गया है। तो एक डीसी का जो रुतबा होता है वो आम जनता के लिए पीएम से प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो उनके डायरेक्ट। सभी ने भरपूर उत्साह दिखाया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ हमारे प्रतिभागियों के अभिनंदन करें जिन्होंने उम्र की सीमाओं को आड़े नहीं आने दिया और शिक्षा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि कांपते हाथ भी ला सकते हैं सागर से मोती। आज के इस फंक्शन के मुख्य अतिथि जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शमीम शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर एन एस भाल, एचओडी कंप्यूटर मैडम लेखा भांबू, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, इनका सारे विद्यापीठ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम का हमें मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी सोच जो एक जौहरी की सोच है वो एक पत्थर को नगीने में कन्वर्ट कर देती हैं। हम तो एक पत्थर की तरह बिहेव करते हैं और जो मैडम हमारे को एक नगीना बनाने का जो मैडम का प्रयास रहता है, ये उसी एक कड़ी का उदाहरण है कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस की वर्कशॉप एक सामाजिक कार्य में लगे और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि हमने कुछ ऐसे बुजुर्ग को, कुछ जो कि हमारे पिता तुल्य हैं, ब्रदर्स के समान एज ग्रुप के बच्चों को हम यहां इनवाइट कर सके ताकि हम उनको कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे सकें। मैं मैडम का सारे विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से जो वो उनका सहयोग वो हमें जो मिलता है उसके लिए तहे दिल से धन्यवादी भी हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस संस्था की स्थापना इसी तरह से की गई ताकि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें और वो फैसिलिटी प्राप्त कर सकें जो कि एनसीआर के एरियाज में उपलब्ध नहीं है। हमें बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि वो फैसिलिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, विद्यापीठ के सभी विद्यार्थी, अध्यापकगण, कोई भी सामाजिक कार्य। इट्स रियली ए ग्रेट प्लेजर दैट we have been able to give some sort of introductory training to a large part of the society, because computer has become an essential part of our day-to-day life. In fact, I belong to an era when computers were not that prevalent, and I still remember that in IIT Kharagpur, which was the first IIT set up by the Government of India, and where I had the honor of getting the technical education, the first computer was established there with the help of American aid. And you will not believe that the computer took almost
a whole room half of this size. It was such a big thing, and it was such a machine that we were just awestruck as to what is it and what it does. But as gradually we came to know, calculator, it does, the computer just does the computations much faster than a human mind can do. It can do millions of calculations. And as the technology advanced, the computer size got shrink. This will help us in our day-to-day working. I hope that all the participants will have at least some basic knowledge of computer after this course. Members और मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट साथियों, जैसा कि इस वर्कशॉप के आरंभ में इसलिए डॉक्टर जय गणेशन जी, भाल साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर गुलचरण, लेखा जी, दौलत सिहाग, हमारे प्रिंसिपल साथी, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर साहिबान, लेक्चरर्स और जो इस कंप्यूटर अवेयरनेस कैंप में प्रतिभागी रहे हैं, वे सब पार्टिसिपेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, नॉन टीचिंग वर्ग के सभी कर्मचारी सदस्यगण और पत्रकार बंधु, सचमुच ये बहुत एक अच्छा सा आह्लाद भरा क्षण है कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने सिलेबस को छोड़ के बाहर की दुनिया की बातें करते हैं। अभी पीछे दिल्ली जाने का मौका मिला तो मैंने 100 थोड़े से अंगूर लिए खाने के रास्ते में, रेडी वाला पास था खा के, मैंने थोड़े से दे दो बस, तो बोला जी 180 ग्राम है ये, मैंने दे दो बहुत इतने तो जो है, तो उसने फटाक से मोबाइल निकाला और 70 रुपये का रेट था, 180 का निकालना बहुत मुश्किल है, एक सेकंड में कैलकुलेटर उसने करके बताया कि इतने रुपये आपके बन गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो डिवाइसेस एक वर्ग विशेष के लिए, बहुत ही इलीट क्लास के लिए हम बातें करते थे, वो हम जन जन तक पहुँच गए हैं। पीछे गांव में जाने का मौका मिला, एक महिला घूंघट में रोटी बना रही थी चूल्हे के सामने, लकड़ियां उपले जला करके, और इतनी बड़ी प्रात में आटा रखा था, बिल्कुल किनारे पे उस आटे के पास में मोबाइल भी रखा हुआ था। बोली बिरानी जी कद बात जाए करते हैं, मैं करती हूँ, आप करते हैं, इस बात के बहुत बड़े मायने नहीं है, लेकिन वही चीज जब एक स्वीपर करता है, एक रिक्शा वाला करता है, रेडी वाला करता है, झोंपड़ी में रहता हुआ एक आदमी करता है, मजदूर करता है, तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत निकट आ गई है। टेक्नोलॉजी का जो सही लक्ष्य है कि ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, वो उसके निकट पहुंच गई है। छोटी सी एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक कहानी मैंने पढ़ी जिसमें किसी लड़के को आजीवन वो थी, फांसी की सजा मिली थी उसको, जो है किसी आदमी को, तो परसों उसको फांसी होने की, उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोला मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जेल से जब भी मैं बाहर खाना वगैरह खाने जाते हैं तो एक बांसुरी की आवाज आती है, और यहीं पर कोई गडरिया कहीं आसपास में जरूर भेड़ों को चराने आता है, और वो बांसुरी बहुत मधुर बजाता है, और मैं भी चाहता हूँ कि बांसुरी बजाना सीखूं। जेल सुपरिटेंडेंट ने अगले दिन सुबह उसको, जैसे वो सुबह के टाइम में बजाता होगा, आया होगा, तो उसको लाए गए अंदर कि चल भी तुम, वो डरा एक बार लेकिन बताया कि डरने की बात नहीं, कुछ काम है तुमसे। तो वो बांसुरी लेके अब जेलर बैठा हुआ है, बांसुरी बजाने वाला वो बच्चा छोटा सा है और वो कैदी है। तो जेलर ने कहा कि तू एक दिन तेरे पास है तो तू क्या करेगा सीख करके। वो लड़का भी बोला कि मैं तो अपनी बांसुरी नहीं देता। तो उस फांसी लेने वाले आदमी ने जो जवाब दिया वो कमाल था, कहने लगा भैया तेरे पास तो पूरी उम्र बांसुरी बजाने के लिए, सीखने के लिए है, मेरे पास तो सिर्फ एक दिन बचा है, आज तो मुझे बजाने में दे जो है। सो, ये मायने नहीं है कि आप विद्यापीठ में आए हैं 8 साल से लेकर के 70 साल तक के लोग, हम 3 दिन में कोई दम नहीं भर रहे, कोई अहंकार हमारे भीतर जागृत नहीं हो रहा कि हमने विंडो सिखा दिया, कि आपको जो है वो इंटरनेट सिखा दिया, या फोटो लोड करनी सिखा दी, फोटोशॉप सिखा दी, नॉट एट ऑल। बस वो हमने जागृत कर दिया, स्पार्क जिसे कहते हैं, वो एक चेष्टा, चेतना, जागृति बोध कह लीजिए, वो हमने आपके भीतर जगाने का काम कर दिया है। वो चिंगारी मोहब्बत करने की कंप्यूटर से आपके मन में पैदा हो चुकी है, और जैसा हमारे प्राचार्य डॉक्टर गुरुचरण ने कहा कि कभी आपका मन करे जानने को, सीखने को और बोध करने को। पीछे हमने एक वर्कशॉप की थी एंड्रॉयड पे, तो वो भी बहुत उपयोगी रही थी। तो इस तरीके से ये वर्कशॉप करना, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गुरप्रीत ने कि रोटी कपड़ा और मकान, उससे जरूरी कंप्यूटर ज्ञान, और सही बात है। डी सर भी बता रहे थे कि गांवों में उन्होंने जगह जगह पे जो इस तरह से लिटरेसी मिशन के नए फेज में जो काम हो रहा है,
और उसमें उन्होंने ये किया है कि जगह जगह गाँव में कंप्यूटर एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम किया जा रहा है। हमारे माता की देवी कॉलेज ओटा में भी चल रहा है काम जो है। ओटा जैसे छोटे से महिला कॉलेज के अंदर यू विल बी सरप्राइज टू नो हमारे पास 72 कंप्यूटर्स हैं और हम एक एक लड़की को नए नए कंप्यूटर सिखाते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे 242 लड़कियाँ कार ड्राइविंग सीख चुकी हैं। 200 आज बहुत मुझे खुशी हुआ आपके इस वर्कशॉप के जो क्लोजिंग सेरेमनी पे आने पर। एंड ये जो सेकेंड वर्कशॉप है आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का, बहुत एक वेलकम एंड एक सराहनीय स्टेप है आपके कॉलेज की तरफ से। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट्स, जितने पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। एंड पूरी JCDV की टीम को मैं आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम, एक बहुत अच्छा स्टेप आपने इस पब्लिक के प्रति उठाया। ये कहना चाहूँगा कि फ्रॉम गवर्नमेंट साइड से भी एस मैडम वाज मेंशनिंग, लोक शिक्षा केंद्र खोले हुए हैं एवरी विलेज, सभी पंचायतों में लोक शिक्षा केंद्र खोले हैं। बिकॉज जो पहले जो इलिटरेसी का जो कॉन्सेप्ट था इट हैज बीन कम्प्लीटली रीडिफाइंड। आज लिटरेट जिसको पहले मानते थे एंड आज लिटरेट जिसको मानते हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। पहले अगर मैं मुश्किल से अपना नाम लिख दूं, या आई वुड से आई ड्रॉ माय नेम, अगर मैं मुश्किल से नाम लिख दूं, मुझे पढ़ा लिखा बंदा माना जाता था, आई वाज कंसीडर्ड टू बी लिटरेट। बट आज के दिन इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फंक्शनल लिटरेसी, इसका नाम हो गया है जो वी आर एमिंग एट। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब यह होता है कि अगर मैं, मुझे पढ़ाई नहीं आती, आई एम एन इलिटरेट पर्सन, जब मैं ट्रेनिंग ये करता हूँ उसके बाद पढ़ना, मतलब मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। नाम लिखते था आई वॉज अ लिटरेट पर्सन, अभी मुझे एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम से मिनिमम एप्लीकेशन फॉर्म मुझे भरना आना चाहिए, ओनली देन वी आई एम कंसिडर्ड टू बी अ लिटरेट पर्सन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल लिटरेसी एंड गवर्नमेंट इसी तरफ मतलब कदम बढ़ा रही है। एडल्ट लिटरेसी पहले होता था कि उस बंदे को नाम लिखना सिखा दो बस, लिटरेट हम परसेंटेज बढ़ा देते थे कि लिटरेट हो गया बोलते। बट नाउ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैज चेंज एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स फंक्शनल लिटरेसी। एंड हमें ये भी देखने में मिला है कि बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें आते हैं। इफ यू कम अप विद सर्टेन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज फंड दीज प्रोजेक्ट्स। No better place than an engineering college who can take up this challenge. मैं जहाँ भी जाता हूँ, students से मिलता हूँ, I only advise them, you come up with good projects. अब आपको एक मैं example बताऊँ, we came up with this battery operated cycle rickshaws, which is a very small concept. अगर बाहर से देखें तो क्या है, बैटरी, चार बैटरी लगी हुई है, रिक्शा चलता है। But this has completely transformed the life of these rickshaw pullers. जो आदमी पहले 100 रुपये कमाता था, आज के दिन he earns about 600 to 700 rupees per day. And his manual labor जो है, जिस जो करना था, रिक्शा पुलिंग is not an easy job. गर्मी आ जाएगी, then his life is hell. And वो the manual labor component has completely been eliminated on his part. And सबसे बड़ी जो social change आपको बताऊँ, मैं जब इनसे बात करता हूँ, they tell me कि जी डी साहब, पहले तो ये हमें ये रिक्शा वो रिक्शा हाथ हिलाते थे, ऐसे बुलाते थे, नाउ हमें बुलाते हैं भाई साहब यहाँ आ जाओ। सो दिस इज द चेंज, दिस इज कंप्लीट सोशल चेंज दैट हैज ब्रॉट इन लाइफ्स ऑफ पीपल। जस्ट टेलिंग यू एज एन एग्जाम्पल, ये मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट्स अगर करना चाहते हैं, इट शुड डायरेक्टली टच द लाइफ ऑफ पीपल, उनके लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज होनी चाहिए। एंड आई वुड, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वी हैव दिस प्रोफॉर्मा है, इट इज नॉट कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, दो लाइन पकड़ा दिया, नो, इट इज टू बी लाइक अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। It has got specific objectives, specific timelines, cost estimates, ये सारी होनी है। It is not an easy job, बहुत मेहनत वाली काम है, but I'm sure as you have got your worthy principal MD here, they might have trained you in this manner, you must be in a position to take up this challenge. And we would love to work in coordination with an educational institution. आज के दिन हम जो भी करते हैं अपने आप करते हैं। New young energetic blood इसमें आएगी, then it will be very very good and we can do one.